जीवन में जिसके लिए और जब कुछ बने तो करने के लिए पीछे मत हटना। कहते हैं कि एक हॉस्पिटल में दो बेड पड़े हुए थे, दोनों के बीच में एक पर्दा था और दोनों तरफ दो पेशेंट थे। एक पेशेंट जो उठ सकता था, उसकी जहां उसका पलंग पड़ा था उसके सिर के पीछे एक खिड़की थी जो बाहर खुलती थी, और जो बगल में बेड पर जो पेशेंट था वो उठ नहीं सकता था, और जो उठ सकता था वो रोज खिड़की पे खड़े होकर बाहर के बारे में बताता था, ध्यान दो, छोड़ दीजिए बच्चे को, कहता था कि देखो सुबह सुबह देख कितनी अच्छी हवा चल रही है, पौधों में कितने अच्छे फूल लग रहे हैं, बड़े बूढ़े लोग चल रहे हैं, जवान लोग वर्जिश कर रहे हैं, कुछ जोड़े वहां बैठे हुए हैं, ठंडी ठंडी बयार चल रही है, रोजाना वर्णन करता था। और जो उठ नहीं सकता था उसको अच्छा लगता था, कम से कम ये तो मुझे बता रहा है। एक दिन की बात, जो उठ सकता था जो सारी बात बताता था, रात में सोया और सोता रह गया। सवेरे डॉक्टर ने आके देखा तो व्यक्ति मर चुका था। और जो उठ नहीं सकता था उसको पता चला कि बगल वाला मर गया, तो उसने कहा हॉस्पिटल वालों से, अगर संभव हो सके तो उसका बेड खाली हो गया है तो मुझको खिड़की की तरफ कर दो। ठीक, उसको खिड़की की तरफ कर दिया। एक दिन वो व्यक्ति जो उठ नहीं सकता था कोनी से बड़ी मुश्किल से सरकते सरकते उसने खिड़की की ओर देखा, देखते ही आश्चर्य में पड़ गया। वहां कुछ नहीं था, सामने एक दीवार थी बस, और कुछ नहीं था। उस पेशेंट ने हॉस्पिटल वाले को किसी को बुलाया और कहा कि जो आदमी यहां पर लेटा रहता था जो मर गया वो तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, यहां सामने दीवार है कुछ नहीं है। हॉस्पिटल वालों ने कहा उसको कैंसर था, और मजे की बात सुनो, वो व्यक्ति दोनों आंखों से देख सकता नहीं था, अंधा था, लेकिन वो लोगों को खुशियां बांटता था, इसलिए वो लंबा जी गया हमारा देखो। फर्क इस बात का है कि हमारी दृष्टि कैसी है, हम कैसे लोगों को अपने द्वारा लोगों को लाभ दे सकते हैं, लोगों को कुछ ना कुछ हम प्रदान कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जब मैं पढ़ता था तो जगह जगह विश्वविद्यालयों में मैं लेक्चर देने जाता था।
चाणक्य की नीति पर एक बार मैं चर्चा कर रहा था, कहीं शायद अहमदाबाद यूनिवर्सिटी थी। चाणक्य एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, परोपकरणम येषाम जागृति हृदये सताम नश्यन्ति विपदो तेषाम संपदासु पदे पदे। जिनके हृदय के अंदर परोपकार की भावना होती है, यो जो व्यक्ति परोपकार करते हैं, परोपकार का अर्थ केवल धन से ही नहीं है। किसी अंधे व्यक्ति को तुमने हाथ पकड़कर सड़क क्रॉस करा दी, ये भी परोपकार हो गया। आप लोग आम खाते हो, गुठली को डस्टबिन में नहीं फेंककर कहीं ऐसी जगह फेंको जहां वो अनुकूल वातावरण पाकर फल उग सके, या तुमने छायादार वृक्ष लगा दिया, ये भी परोपकार है। यानी परोपकार किसी भी तरह से तुम कर सकते हो।